नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर क्लासेस में। इंजीनियर राजेश सर क्लासेस में, जहां पर आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो हमारा जो टॉपिक, मतलब जो लेक्चर रहेगा, वो पॉलिटेक्निक इंजीनियर एसएससी, कुल मिला के समझिए कि हर फील्ड में आपके लिए, यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा चैनल काफ़ी आपके लिए सहायक होगा। तो पहले बात करेंगे मोमेंट। मोमेंट या घूर्ण क्या होता है? तो पहले बात करेंगे कि हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे, नंबर फर्स्ट, मोमेंट क्या होता है। सेकंड, कैसे ज्ञात किया जाता है मोमेंट को। थर्ड, मोमेंट का शून्य मान कब होता है। फोर्थ, मोमेंट का अधिकतम मान कब होता है। और फिफ्थ रहेगा आपका, मोमेंट की इकाई को कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के टॉपिक हैं, मतलब इन सब टॉपिक, ये सब टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं मोमेंट। मोमेंट क्या कहलाता है? इसे कहते हैं किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु बिंदु के परितः। परितः मीन्स चारों ओर, बल के घुमाने घुमाने वाले घुमाने वाले प्रभाव को, प्रभाव को उस बल का, उस बल का निश्चित बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहलाता है। घूर्ण या मोमेंट कहलाता है, कहलाता है। तो पहली हमारी कंडीशन यहां पर क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई? कि वो कहते हैं किसी बिंदु के परतः, जैसे कि मान लीजिए एक ये बिंदु है, इसके चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव, मतलब यहाँ पे क्या है, जो बल का प्रभाव है, बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहलाता है। तो आप समझ गए, मतलब ये जो घूर्ण है वो क्या है, किसी बिंदु के परिता घूमता है। किसकी सहायता से? बल की सहायता से। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, परिभाषा, किसी बिंदु के परिता बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहलाता है। पहली कंडीशन ये हो गई। कैसे? अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन है हमारी, जो कहा गया था कि कैसे पता करेंगे कि ये मोमेंट है। तो यहां पर है कि किसी एक, यहां पर लगाया एक, मान लीजिए पिंड हो गया, पिंड हो गया। अब पिंड में एक बिंदु मान लिया, यहां पर बिंदु आ गया आपका ये वाला, इसका नाम रख दिया ओ आ गया। तो इस पे क्या किया, मतलब ये जो पिंड है, ये वाला पिंड है, वो बिंदु O पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। मतलब क्या है, बिंदु O पर घूम सकता है और पिंड पर एक बल लगाया जाता है। अब क्या है, इस पिंड पर, जो इतना पूरा पिंड है, इस पे बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है जिसकी क्रिया रेखा O से नहीं गुजरती है।
मतलब उसकी जो क्रिया रेखा है वो ओ से नहीं गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? ये यहाँ से इतनी दूरी पर, ये और यहाँ पर लग रहा है बल, इसका नाम रख दिया आपने एन। बल कौन सा है? पी। पी जो बल है वो ओ की क्रिया रेखा से नहीं गुजर रहा है। इतना आप समझ गए? मतलब क्या है, यहाँ पर जो बल है पी, पी हो गया आपका बल, और घूमने की जो कंडीशन है वो है यहां से ये। मतलब एक पिंड है जो किसी अपने सेंटर पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कब? जब इस पर जो बल लगाया जा रहा है जो इसकी क्रिया रेखा से नहीं गुजर रहा है। तो ये कहां से गुजर रहा है? ये गुजर रहा है यहां से। क्लियर? तो यहां से यहां तक की दूरी है ओ एन। ओ एन कौन सी है? लंबवत दूरी, क्योंकि यहां पर देखिए ये 90 एंगल पे आ रहा है, ये लंबवत होगी, लंब यही तो कहना था ये। तो बस यहां पर जो बल है वो 90 एंगल पर आ रहा है। इतना क्लियर? मतलब यहां पर एक पिंड है जो पिंड अपने ओ बिंदु पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। फिर इस पिंड के ऊपर एक बल लगाया गया, पी नाम का बल लगाया गया, जो ओ की क्रिया रेखा से नहीं गुजरता है। वो कहाँ गुजरता है? ओ से कुछ दूरी पर। कितनी दूरी? ओ एन दूरी पर गुजरता है। और कौन सा? लंबवत क्रिया में, लंबवत क्रिया में गुजरता है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? मोमेंट, घूर्ण। तो बल घूर्ण या घूर्ण, तो अब बल घूर्ण क्या कहलाता है? बल बल घूर्ण बराबर क्या है? सबसे पहले बात करेंगे बल, ये क्या है? बल। तो यहां पे आ गया बलागुण, बल घूर्ण क्या होगा? बल इनटू, बल इनटू निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी, निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी, निश्चित निश्चित बिंदु से बल की लंबवत लंबवत दूरी। क्लियर? तो यहां पर बलागुण को कहते हैं मूमेंट। तो हम लोग यहां पर शॉर्ट में लिख देंगे इसको एम। एम हो गया बल। बल क्या है यहां पर? पी है। तो यहां आ गया आपके पी इंटू निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी। तो कितनी है आपकी? ओ एन। ओ एन। क्लियर? तो ये हो गया हमारे यहां पर बल घूर्ण। तो ये दूसरी कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। कैसे ज्ञात किया? तो यही कहा गया था कि बल को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बल को कैसे ज्ञात करते हैं? कि एक किसी कोई पिंड है जो अपने किसी बिंदु पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। कौन सा बिंदु है वो? कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट पर एक पिंड घूमने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस पिंड के ऊपर एक बल कार्य करता है। कौन सा? पी। पी नाम का एक बल कार्य करता है जो कि ओ बिंदु के क्रिया रेखा से नहीं गुजरता है। तो वो कहाँ से गुजरता है? निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी पर। ये आ गए। तो यहां पर बलागुण मतलब बल घूर्ण कितना हो गया? बलागुण को कहते हैं शॉर्ट में मोमेंट। तो बल घूर्ण इज इक्वल टू बल, बल हो गया पी इंटू निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी ओ एन। तो ये हो गया आपका मोमेंट। क्लियर? यह एक सदिश राशि है, यह है एक सदिश
राशि है। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा, दिशा मीन्स डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी हो सकती है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो सेकंड कंडीशन क्लियर हो गई कि यह एक सदिश राशि है। सेकंड कंडीशन आपकी यहां क्लियर हो गई, यह एक सदिश राशि है और इसकी जो मोमेंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन। इसके बाद तीसरी कंडीशन, बल घूर्ण का मान शून्य कब होता है? तो बल घूर्ण का शून्य, जो बल घूर्ण का जो मान है वो शून्य कब होता है? दो कंडीशन में। नंबर एक, कौन सी कंडीशन है? तो पहले लिखेंगे बल बल घूर्ण का शून्य मान, बल घूर्ण का शून्य मान कब होता है? नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन जब बल का मान 0 हो। नंबर फर्स्ट कब होगा? या तो जो हमारा ये बल है ये 0 हो तो क्या हो जाएगा, सभी वैल्यू हो जाएगी शून्य। और सेकंड कंडीशन रहेगी यहां पर, जब निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी ये शून्य हो। कौन सी? ओ एन, ओ एन इक्वल टू 0 हो जाए या पी इक्वल टू 0 हो जाए, तब बल घूर्ण का मान शून्य होता है। ये होगी हमारी तीसरी कंडीशन। मतलब जैसा कि ये कहा गया था कि मोमेंट का मान कब शून्य होगा, दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो जो बल लगाया जा रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर उसकी जो लंबवत दूरी है कौन सी? ओ एन, ये वाली, मतलब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तभी ये इसका मान शून्य हो सकता है। तो ये हमारी हो गई यहां पर तीसरी कंडीशन। फिर बात करते हैं कि बल घूर्ण का अधिकतम मान कब होता है? बल घूर्ण का अधिकतम मान कब होता है? तो उस पर बात करेंगे। तो कुछ पोर्शन हम लोग इसको इरेज करते हैं, ये आपने देख लिया। अब हम इसको ऊपर वाला जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है इसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। ये आ गया आपके ये पॉइंट, काफी अच्छा टॉपिक है। अब बात करेंगे बल घूर्ण का अधिकतम मान, यह आएगा आपका फोर्थ कंडीशन। बल घूर्ण का अधिकतम मान, अधिकतम मान कब होता है उसकी बात करेंगे। बल घूर्ण का मान अधिकतम दो प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट, कब? जब बल का मान, जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू, वैल्यू या पी का मान अधिकतम हो, पी की वैल्यू, इसको लिख सकते हैं
मान, पी का मान अधिक हो, अधिकतम हो। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन रहेगी जब ओ एन, ओ एन, ओ एन क्या है इसकी, निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी। ओ एन, ओ एन का मान अधिकतम हो, तब हमारा बल गुण का मान अधिक हो सकता है। फिर पांचवी कंडीशन, पांचवी कंडीशन है बल गुण का यूनिट क्या होता है, बल गुण की इकाई, बल गुण की इकाई क्या होती है, तो पहले बात करेंगे बल इंटू निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी, निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी, बिंदु से लंबवत दूरी। अब देखिए यहां पर बल को किस में नापते हैं, बल को नापते हैं न्यूटन में, और दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। तो इसका मीटर हो गया, तो इसका जो मान आ जाएगा वो होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसकी जो इकाई हो गई, बल घूर्ण की इकाई हो गई न्यूटन मीटर, क्योंकि बल को नापते हैं न्यूटन में और दूरी को नापते हैं मीटर में। यदि हम बात करें एम के एस पद्धति में, एम के एस पद्धति में, एम के एस पद्धति में इसको देखते हैं, के जी एफ, के जी एफ मीटर। तो ये हमारी आज के लेक्चर में हम लोगों ने पांच चीजें सीखी। पहले तो सीखी उसकी डेफिनेशन, बलागुण या मोमेंट का डेफिनेशन कैसे कैसे या कैसे लिखते हैं, और सेकंड देखा था कि मोमेंट कैसे ज्ञात किया जाता है, थर्ड देखा था कि मोमेंट का मान वैल्यू जीरो कब होती है और मोमेंट की वैल्यू अधिकतम कब होती है और मोमेंट की इकाई क्या होती है। तो आशा करते हैं आपको ये पांच टॉपिक बहुत आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके में समझ में आए हों, और समझ में आए होंगे क्योंकि आप लोग भी बहुत बुद्धिमान और होशियार हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आए होंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। तो आपके लिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड मैक्सिमम कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।